सब्सक्राइब करिए गुरुजी टेक्नोलॉजी को और बेल लाइट दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइज, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जियो फोन के अंदर का राज क्या चीज है गाइज, क्योंकि जो काम एंड्रॉयड फोन नहीं कर पाता है वो काम ये जियो फोन भी कर देता गाइज। तो इतने फंक्शंस इसमें दिए गए हैं कि जितने एंड्रॉयड फोन में दिए गए गाइज। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस जियो फोन के अंदर क्या चीज लगा हुआ है जो इस एंड्रॉयड फोन से जितना ही बेहतर इस फोन को बनाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस जियो फोन के अंदर क्या चीज़ है, कौन सी मशीन लगी हुई है और इसके स्क्रीन के अंदर कौन सी मशीन लगी हुई है, क्या चीज़ लगा हुआ है। तो आज की वीडियो में यही बताएंगे। तो उससे पहले गाइस, अगर आप हमारे वीडियो को में नए हों तो नीचे लाइक करके सब्सक्राइब बटन में आ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं गुरुजी टेक्नोलॉजी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास जियो फ़ोन है। अब ये जियो फ़ोन तो अक्सर हर जन के पास इस समय रहता है जियो फ़ोन, क्योंकि इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला ये जियो फ़ोन बन गया है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, जैसे कि देख रहे हैं हमारे पास ये दो जियो फ़ोन है गाइस। तो दो जियो फ़ोन में ये वाले जियो फ़ोन को हम खोल के बताएंगे कि जियो फ़ोन के अंदर का राज क्या है गाइस। तो ये हमारा कुछ दिन पहले ये फ़ोन बंद हो गया था, ये पुराने वाला जियो फ़ोन। तो हम इसी फ़ोन को आपको खोल के दिखाएंगे गाइस। ये भी बिल्कुल नया ही फ़ोन था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास ये जियो फ़ोन है, तो हम इसको खोल लेते हैं गाइस। खोल लेते हैं तो इसको उसे नहीं, हम डायरेक्ट इसको तोड़ के खोलना पड़ेगा। ये हम खोल रहे हैं इसको, जैसे कि गाइस आप देख रहे हैं ये हम खोल रहे हैं। ये बहुत ही टाइट है, अब यहाँ से हम ये खींच के तोड़ देते हैं। ये बैटरी है जियो फ़ोन की जो पीछे लगी रहती है, तो बैटरी को तो हम अलग कर देते हैं अभी और ये फ़ोन का निकाल लेते हैं। ये जैसे कि गाइस देखे हम, ये पूरा फ़ोन खुल गया है इस प्रकार से। ये आगे की डमी है जो स्क्रीन को सेफ रखता है, जिसमें स्क्रीन में गंदी नहीं हो या टूटे नहीं। और उसके बाद आती है हमारी स्क्रीन, ये स्क्रीन है जो मॉनिटर के काम करती है, जो आप जिस स्क्रीन में कॉल करते हैं, वीडियो यूट्यूब में देखते थे वो स्क्रीन है। इसके बाद आती है ये प्लेट, ये प्लेट ही मेन पूरा काम करती है जियो फ़ोन का, जो एक एंड्रॉयड फ़ोन है जियो फ़ोन। तो ये उसी की मेन प्लेट है जो हर तरह का काम करता है। ये बिल्कुल प्लेट आप देख सकते हैं, यहाँ बटन कीबोर्ड दिया गया है, कीबोर्ड का बटन कुछ इस प्रकार से रहता है। और ऊपर से जो आप येलो पन्नी देख रहे हैं, तो उसमें स्क्रीन पहले चिपकी हुई थी तो हमने निकाल दिया है। ये बीच वाटन है गूगल का, ये आप देख सकते हो ऊपर नीचे, और पीछे से देखेंगे कुछ इस प्रकार सा है। देख सकते हैं यहाँ पास, यहाँ अब सिम लगाते हैं, यहाँ पास आप लीड लगाते हैं, यहाँ पास गाइस आप चार्ज करते हैं यहाँ से। तो ये चार्जर पॉइंट है। उसके बाद आप ये जियो फ़ोन की प्लेट तो आप देख ही सकते हैं, अंदर से कुछ इस प्रकार की रहती है, जो एंड्रॉयड फ़ोन जैसा फीचर्स जो जियो फ़ोन में दिया रहता है। तो इसकी अंदर की प्लेट हम देखते हैं गाइस, तो कुछ इस प्रकार की है प्लेट। के बाद ये आता है बैक कवर, जो आपके स्क्रीन गार्ड मशीन को ये जो सेफ रखता है कवर बैक का, तो ये वो कवर हो गया। उसके बाद गाइस अब हम स्क्रीन को ही खोल के देखते हैं कि स्क्रीन के अंदर का राज क्या चीज़ है गाइस। तो हम चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आप लाइक नहीं किए तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि आप लाइक करेंगे तभी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होगी गाइस। तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये कीबोर्ड है, ये रबड़ जैसा कीबोर्ड है, आप देख सकते हैं ये रबड़ जैसा कीबोर्ड है। इसके बाद ये बैटरी है, जो जियो फ़ोन में बैटरी लगी रहती है, बैटरी में आप पीछे देख सकते हैं, तो नॉर्मल बैटरी ही है। इसके बाद हम स्क्रीन को खोल के देखते हैं गाइस, ये स्क्रीन है। स्क्रीन के बाद ये पीछे टेप लगा हुआ था, टेप को निकाल दिए। इसके बाद ये येलो वाली पन्नी, तो इसको भी हम निकाल देते हैं। अब इसको निकालने के बाद पहले यहाँ पर आगे का कवर निकाल लेते हैं, ये बैग से खुलेगा। जैसे देखे आपने ये बैग से खुल गया है,
ये प्लास्टिक का है शुरुआत में, तो हम ये प्लास्टिक वायर को पहले निकाल लेते हैं। ये स्टील का उसके ऊपर लगा हुआ है फ्रेम, तो पहले स्टील के फ्रेम को निकाल लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये पहले स्टील के फ्रेम को निकाल लिए, कुछ इस प्रकार से है। ये स्टील के फ्रेम के पीछे मॉडल स्क्रीन का लिखा रहता है। इसके बाद ये प्लास्टिक की कोटिंग दी गई है पेपर की, पेपर के बाद प्लास्टिक की कोटिंग दी गई है। ये पेपर देख सकते हैं नॉर्मल पेपर जैसा नहीं है ये गाइस। इसके बाद ये है एक फ्रेम टाइप का दिया गया है प्लास्टिक का। अब इसके बाद ये ग्लास आप देख सकते हैं, ये एक्सरे जैसा ग्लास दिख रहा है, जैसे एक्सरे में कोई वो दिया जाता है पेपर, तो ऐसे एक्सरे वाला ग्लास दिख रहा है। इसके बाद एक और है, इसके बाद पन्नी, ये आप देख सकते हैं नीचे एलईडी दिख रही है चार टू, ये मेन एलईडी रहती है जो आपके मॉनिटर को लाइट देती है, फोकस देती है, जिससे आपकी वीडियो स्क्रीन में दिख पाती है। इसको भी हम निकाल लेते हैं, ये पन्नी टाइप का है, ये चिपकी हुई है तो हम इसको निकाल लेते हैं। निकाल नहीं गए, ये निकालने के बाद कुछ पेपर के टाइप का है, पूरी स्क्रीन में आधे से ज़्यादा पेपर रहता है। अब इसके बाद ये आप देख सकते हैं चार टू लाइट दिख रही है, चार टू लाइट दिख रही है। अभी हम इसको भी निकाल लेते हैं, ये इसको गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं हमने निकाल लिया है। ये बहुत ही खास तरह की पन्नी है, ये मेन पन्नी है जो आपके स्क्रीन को लाइट देती है, जिससे आपकी स्क्रीन मॉनिटर में आपकी वीडियो प्ले होती है। गाइस ये मेन स्क्रीन है, जैसे इसका आप पेपर ग्लास देख सकते हैं, कुछ सीडी में जैसे डीवीडी में सीडी लगती है उस प्रकार का इसमें दिया गया है, तो आप इसमें देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना शाइनिंग कर रहा है, ये मेन पेपर रहता है जिसमें आप नीचे एलईडी भी देख सकते हैं, चार टू लगा हुआ है। एक खास तरह की पन्नी होती है जो इसमें लगा रहता है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये कांच है जो आपकी वीडियो प्ले होता है। तो गाइस उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। गाइस हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।